गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अजीत कुमार पांडे आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का इंग्लिश का हम लोग का जो सेक्शन होगा वो ग्रामर से लिया गया सेक्शन है। ग्रामर का आज का टॉपिक होगा नाउन। तो जैसा कि आप सब लोग नाउन के बारे में बचपन से जानते हैं, पढ़ा भी है आप सबों ने, बट हम जो आपको नाउन पढ़ाने जा रहे हैं ये नाउन बाकी अब तक आपने जितने भी नाउन पढ़े उन सबों से अलग, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे आप सब लोग, और जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसको नोटबुक उठाएं और उस पर तुरंत लिखते चलेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है नाउन, तो सबसे पहले हम लोग समझे कि ये नाउन वर्ड आया कहां से। देखिए, एक लैटिन वर्ड नोमेन है। इस लैटिन वर्ड नोमेन से डिराइव करके बना नाउन। अब आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि सर ये लैटिन वर्ड क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करेंगे, अगले किसी क्लास में करेंगे, क्योंकि नाउन टॉपिक में ही आपको लैटिन वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखना है, ठीक है। जो आपके बैंक, पीओ, क्लर्क, एसएससी और भी बाकी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको जब हम सीखेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये लैटिन वर्ड क्या होता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग फिर से सीखें, लैटिन वर्ड नोमेन से डिराइव होके बना नाउन। इस नाउन का इंग्लिश मीनिंग होता है नेम। क्या मीनिंग होता है? नेम। और इसी नाउन का हिंदी मीनिंग होता है नाम। तो दुनिया में यदि किसी का कोई नाम है तो वो नाउन है, ठीक है। नाम का मतलब नाउन, नाउन मीन्स नाम। इसमें अब हमें किसी भी कोई भी डेफिनेशन को रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं मेरे हाथ में ये कोई वस्तु है, इसका अपना कुछ नाम होगा। यदि इसकी आइडेंटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, नाम होगा तो वो नाउन होगा, ठीक है। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे के सेक्शन की तरफ। इसके आगे के सेक्शन में हम सबों ने बचपन से पढ़ा है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो आप सबों का आंसर आता है सर नाउन होते हैं 5 टाइप्स के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। लेकिन हम में से शायद किसी ने अभी तक ये प्रयास नहीं किया कि नाउन को इन 5 टाइप्स में किस बेसिस पे बांटा गया, ठीक है। तो मैं आपको ये भी थोड़ा बताता चलूँ। देखिए, जैसे कि आप हिंदी ग्रामर कभी स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे और तब वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना था, एक चैप्टर पढ़ना था, शब्द। और वो शब्द क्या था, उस शब्द के बारे में हम सबों ने पढ़ा। शब्द क्या है भाई? तो शब्द को अलग अलग आधार पे अलग अलग टाइप्स में बांटा गया। जैसे शब्द अर्थ के दृष्टिकोण से कितने टाइप के होते हैं, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक दो टर्म हम आपको याद करवाते चले। जैसे आपने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ऐसा आप सबने पढ़ा था। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से तत्सम, तद्भव, इस टाइप की चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। देशज, विदेशज। इन द सेम वे ये जो नाउन है, इस नाउन की चर्चा हम लोग जो करने जा रहे हैं, तो नाउन को 5 बेसिस पे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप की बात करें हम लोग, सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बेसिस की बात करें हम लोग, नाउन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, नाउन को जाति के आधार पे 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। और यही 5 टाइप्स थे हमारे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग के आधार पे नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, संख्या के आधार पे नाउन फिर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर,
जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे नाउन चार टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन जिसको आप में से कुछ बच्चे मैस्कुलाइन भी बोला करते हैं, फेमिनिन जिसमें जिसको आप लोग फेमिनाइन भी बोलते हैं, कॉमन एंड न्यूटर। ठीक है, अब ये चार क्लासिफिकेशन के बेसिस हो गए। पांचवा कौन सा बच्चा? पांचवा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, संरचना या बनावट के दृष्टिकोण से नाउन फिर दो टाइप के होते हैं, सिंगल नाउन एंड कंपाउंड नाउन। फिर से सिंगल एंड कंपाउंड। ठीक है, तो सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन से आप सब लोग भली भांति अवगत हैं, परिचित हैं, लेकिन जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाते समय कहा, हम आपको उस स्टाइल में नहीं पढ़ाने जा रहे हैं जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है। आपने अभी तक जिस किसी भी पैटर्न में प्रॉपर नाउन को पढ़ा है उससे आपके एग्जाम में पूछे गए एक भी क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो हम इस पैटर्न में नहीं पढ़ेंगे। हम जो भी पढ़ेंगे उससे आपके एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो बैंक हो, CDS हो, SSC हो, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को यहीं तुरंत हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, अब देखिए प्रॉपर नाउन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इन सबके कुछ रूल्स हैं, इनको जानना जरूरी है। तो ये पहला रूल जिसको आप सब लोग बचपन से जानते हैं, पहला रूल ये है इसका फर्स्ट लेटर हमेशा और हमेशा कैपिटल होगा। कैसा होगा? कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बिगिनिंग में आए, मिडिल में आए, एंडिंग में आए, चाहे जहां कहीं भी हो, प्रॉपर नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा और हमेशा कैपिटल रखना है। याद करेंगे और नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ चले हम लोग। इसका सेकेंड पॉइंट कहता है जनरली इट इज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सामान्य तौर पे प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। सामान्य तौर पे सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। आप में से कुछ बच्चों के मन में ख्याल आएगा, तो क्या कभी इसका प्लूरल नहीं बनेगा सर? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा वो सीखें। देखिए सिर्फ एक कंडीशन, कभी कभी आप जब बचपन से पढ़ते आए तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा एक ही क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा कैंडिडेट होते थे। ठीक है, इन दैट केस एंड ओनली इन दैट केस उस प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनता है। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सभी परिस्थितियों में प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। क्लियर है? चलिए तो अब इसके अलावा हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, तीसरा पॉइंट सी समझिए। देखिए यहां से आपका कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है इसको समझे हम लोग। देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा, ये थर्ड रूल ये कहता है कि यदि किसी भी प्रॉपर नाउन का यूज न तो किसी का प्रशंसा करने के लिए किया जाए और ना ही उस प्रॉपर नाउन का यूज किसी का मजाक उड़ाने के लिए किया जाए। फिर से वंस अगेन समझिए, होता क्या है कि जनरली प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। होता क्या है कि जनरली सामान्य अवस्था में प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। और इसको दूसरे शब्दों में हम लोग समझे, यदि किसी प्रॉपर नाउन का यूज न तो किसी का प्रशंसा करने के लिए किया जाए और ना ही किसी का मजाक उड़ाने के लिए किया जाए, तो उस प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और फिर भी यदि किया हुआ हो तो वो एरर का पार्ट होगा और उसको करेक्शन करना होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन नोट कीजिए सब लोग। एक क्वेश्चन, द ग्रेट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट द शेक्सपियर नेवर हैड एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन।
नेवर हैड एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन के पहले क्वेश्चन में यूज किया गया है आर्टिकल द, तो क्या यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेक्ट है? जाहिर सी बात है नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से आर्टिकल द को रिमूव कर देंगे। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट रूल नंबर डी। देखिए रूल नंबर डी यानी चौथा रूल क्या कहता है। चौथा रूल कहता है कि यदि किसी फेमस प्रॉपर नाउन का यूज, यदि किसी फेमस प्रॉपर नाउन का यूज किसी का प्रशंसा करने के लिए किया जाए। बात को ठीक से समझेंगे आप। फेमस प्रॉपर नाउन मतलब ऐसा कोई भी प्रॉपर नाउन जिसको आप ले तो जो वेल नोन हो, जिसको सब लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे तुलसीदास फेमस प्रॉपर नाउन, सलमान खान, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, गानों में आपने सुना जलेबी बाई, अनारकली, तो ये सब क्या हैं? कुछ फेमस प्रॉपर नाउन है। क्लियर है, समझिए बात को। तो यदि किसी फेमस प्रॉपर नाउन का यूज किसी का प्रशंसा करने के लिए किया जाए तो उस फेमस प्रॉपर नाउन के पहले हम लोगों को यूज करना होगा आर्टिकल द। क्या यूज करना होगा? आर्टिकल द का यूज करना होगा। जैसे कभी कभी बोलचाल में भी हम लोग कहते हैं ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास। तो सचिन तेंदुलकर एक फेमस प्रॉपर नाउन है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का यूज क्लास के किसी स्टूडेंट का प्रशंसा करने के लिए, तारीफ करने के लिए, या उसके जैसी क्वालिटी उसमें हो ये एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इन दैट केस सचिन या जो भी प्रॉपर नाउन वहां यूज किया जाएगा उसके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, नोट कीजिए। डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड द भाभा, कैन बी कॉल्ड द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस क्वेश्चन में जरा आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे देखिए डॉक्टर कलाम, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। दूसरा द भाभा, अब भाभा का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर होमी भाभा एक फेमस प्रॉपर नाउन है, एक फेमस साइंटिस्ट रहे हैं अपने इंडिया के। ठीक है, तो भाभा का यूज कलाम के रेफरेंस में किया गया उनके क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी प्रशंसा के रेफरेंस में हम लोग समझे। ठीक है, तो यहाँ पे भाभा के पहले द का यूज करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, बताइए। बिल्कुल सही आंसर है आप सबों का, यहाँ पे भाभा के पहले आर्टिकल द का यूज करेक्ट। क्लियर है, चलिए। तो इससे पूछा गया एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें। जैसा कि इस क्वेश्चन को आप लोग पहले से जानते हैं, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया था। कलाम वाला क्वेश्चन केनरा बैंक क्लर्क में पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से रिपीट करें। क्या था क्वेश्चन भाई? कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, एरर बताइए सब लोग। बिल्कुल सही आंसर है सबका। शेक्सपियर के पहले जो अ लिखा हुआ है, इस ए की जगह क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हम लोग अगले कॉन्सेप्ट रूल नंबर ई की तरफ। देखिए रूल नंबर ई कहता है, पांचवा रूल, प्रॉपर नाउन का पांचवा रूल। देखिए पांचवा रूल ये कहता है, यदि किसी भी फेमस प्रॉपर नाउन का यूज, यदि किसी भी फेमस प्रॉपर नाउन का यूज किसी का मजाक उड़ाने के लिए किया जाए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए किया जाए तो उस फेमस प्रॉपर नाउन के पहले यूज होगा आर्टिकल ए एन। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल ए एन का यूज किया जाएगा।
ठीक है। चलिए, जैसा अब एक क्वेश्चन हम लोग ले लें। यहाँ पे क्वेश्चन को लेने के पहले कुछ और कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते चले इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए कभी घूमते टहलते फिरते हमारी मुलाकात आपके घर के आसपास हो गई, ठीक है, हो सकती है। तो इन केस मान लीजिए कभी हमारी मुलाकात घूमते टहलते फिरते आपके घर के आसपास हो गई, हम लोग रोड पे खड़ा होकर ही बात कर रहे हों, ठीक है, सड़क पे खड़े होकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमने देखा कि एक लड़का आ रहा है, नीचे उसने जींस का पैंट पहन रखा है, ऊपर शर्ट है लेकिन शर्ट के सारे बटन खुले हैं, और हमने आपसे पूछा भाई ये लड़का कौन है, आपका आंसर आता है सर नहीं जानते, ये हमारे मोहल्ले का शक्ति कपूर है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, शक्ति कपूर का यूज़ उस कैंडिडेट का प्रशंसा करने के लिए यूज़ किया गया या मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इस शक्ति कपूर जो प्रॉपर नाउन है इसका यूज़ किया गया उस कैंडिडेट का मजाक उड़ाने के लिए, इसलिए शक्ति कपूर के पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए एन का जो भी सुटेबल होगा, क्लियर है। यानी यहाँ पे शक्ति कपूर के पहले हम लोग यूज़ कर लेंगे आर्टिकल ए। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन बना ले हम लोग। एवरी गर्ल थिंक्स, एवरी, नोट कीजिए सब लोग, एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ, फिर से एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा थिंक्स हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया, ऑफ हर एरिया, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा का यूज एवरी गर्ल के रेफरेंस में किया गया। अब जरा सोचिए यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा का यूज प्रशंसा करने के रेफरेंस में या मजाक उड़ाने के रेफरेंस में। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सब लोग, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा का यूज मजाक उड़ाने यानी मौकरी के सेंस में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा, बिल्कुल सही, आर्टिकल ए का यूज होगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे प्रॉपर नाउन के 5 कॉन्सेप्ट, ठीक है, अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हम लोग दूसरे टाइप की तरफ। तो अब हम लोग आते हैं नाउन के दूसरे टाइप, ये देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब देखें ये कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए ये कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन जैसा कि आप इसको बचपन से जानते हैं, कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जिससे ग्रुप, भीड़ या समूह का बोध होता है, ठीक है, ऐसा आप सब लोग जानते हैं। अब देखिए क्या है कि आप यदि कोई अच्छा सा बुक फॉलो करेंगे तो उस बुक में आपको कुछ रूल्स मिलेगा, क्या रूल मिलेगा, ऐसे कलेक्टिव नाउन जिनके लास्ट में आरवाई लगा हो ये हमेशा होते हैं प्लूरल और वर्ब भी लेंगे प्लूरल, तो कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल, ठीक है। यहीं पे आपको एक और रूल मिलेगा, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में आरवाई लगा हो ये हमेशा होंगे सिंगुलर, कैसे होंगे, सिंगुलर, और ये वर्ब भी लेंगे सिंगुलर, ठीक है। यहीं पे एक और रूल आपको देखने को मिलता है, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में आरवाई लगा हो ये कभी होते हैं प्लूरल कभी होते हैं सिंगुलर, कभी होंगे प्लूरल कभी होंगे सिंगुलर, और जैसा रहेंगे वैसा वर्ब लेंगे, यानी कि प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे, सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, क्लियर है। अब देखिए आपके एग्जाम में कम से कम ये दो रूल से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब बुक में होता क्या है कि इस रूल पे बेस्ड भी 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, इस रूल पे बेस्ड भी 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, 50 वर्ड्स भी मिलेंगे आपको। अब होता क्या है कि यहाँ ये जो 50-50 शब्द आपको मिलेंगे आप 100 वर्ड्स याद करेंगे, और जब एग्जाम में कोई एक वर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है,
कन्फ्यूजन ये कि भाई हमने इस वर्ड को सिंगुलर वाले में याद किया था या प्लूरल वाले में याद किया था। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके आपको रटने से बचाया जा सके। तो इस रटने वाले कॉन्सेप्ट से बचने के लिए हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट क्या है भाई? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। पहला पार्ट होगा आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा पार्ट है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। दूसरा पार्ट क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तीसरा पार्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, आप में से कुछ बच्चों के मन में ये डाउट क्रिएट होगा, सर ये कौन से बुक में लिखा है? ये किसी बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, आपको हम क्लियर करते चले, बताते चले, फ्यूचर में कोई डाउट बचे नहीं। ये हमने ये जो RY का कॉन्सेप्ट अभी हम आपको बता रहे थे, ये RY वाला, तो इस RY का जो कॉन्सेप्ट था कन्फ्यूजन से भरा हुआ, उससे बचने के लिए हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया ताकि आपको रटना नहीं पड़े। अब सीखे हम लोग, शुरुआत करते हैं इस थर्ड वाले टाइप से। ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है? बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है? बांटना। इव का मतलब होता है वाला, इव का मीनिंग वाला। तो ये ऐसा कलेक्टिव नाउन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, ये एक ऐसा कलेक्टिव नाउन होता है जो कभी आपस में यूनाइटेड होता है और कभी आपस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, सीखे हम लोग कैसे। जैसे इसका एक दो एग्जाम्पल ले ले हम लोग तो ज़्यादा बेहतर होगा समझना। जैसे आपने सुना होगा कमेटी, ज्यूरी, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ऐसे कोई भी कलेक्टिव नाउन जो कभी आपस में यूनाइटेड होते हैं और कभी आपस में डिवाइडेड होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब हम समझा रहे हैं, केवल थ्योरी से काम चलेगा नहीं, समझने की ज़रूरत है। जैसे ये देखिए पार्लियामेंट, कल्पना कीजिए कभी पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर दे, तो यदि पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण कर दिया हो और इस पार्लियामेंट में यानी कि संसद भवन में, संसद भवन के दो हाउस हैं आप सबों को पता है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, तो इस राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिला के ये पार्लियामेंट बना। पार्लियामेंट में जरा आप ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, सभी दल और सभी पार्टी के लोग वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि वहाँ पे कोई एक मीटिंग बुलाई जाए और ये प्रस्ताव रखा जाए कि भाई पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर रखा है, अब बताइए हम भारत वालों को क्या करना चाहिए। तो आप सब लोगों का भी आंसर वही आएगा जो पार्लियामेंट में आंसर आता है। ठीक है, तो सभी दल के लोग, सभी पार्टी के, सभी प्रकार के नेता एक स्वर में एक ही बात बोलेंगे, यानी कि वहाँ पर यूनैनिमिटी क्रिएट होगी और सब लोग यूनैनिमिटी में एक ही बात बोलेंगे, भारत को पाकिस्तान के ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। क्लियर है, यानी कि पाकिस्तान वाले मुद्दे पे ये जो पार्लियामेंट है यूनाइटेड है। ठीक है, लेकिन इसी पार्लियामेंट में जैसे ही बात उठती है महिलाओं को राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा वाले में 50% आरक्षण दे दिया जाए, तो जैसे ही महिला बिल की बात आती है, फीमेल रिजर्वेशन की बात आती है, यही पार्लियामेंट कई ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, कुछ लोग फेवर में, कुछ लोग अगेंस्ट में और कुछ लोग दोनों के बीच से वॉकआउट कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नाउन जो कभी आपस में यूनाइटेड होते हैं और कभी आपस में डिवाइडेड होते हैं,
ऐसे सारे टाइप के कलेक्टिव नाउन को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? अब इनके भी कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, इसको हम लोग फॉलो करें ताकि इनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन अपने बने। अब देखिए इनका कॉन्सेप्ट क्या है। रूल नंबर वन, इनका पहला रूल है, पहला कॉन्सेप्ट है, इट टेक्स आर्टिकल द। इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी ऐसा कोई भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आएगा तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। दूसरा रूल क्या है भाई? दूसरा रूल है कि जब ये यूनाइटेड होगा, कैसा होगा? यूनाइटेड होगा तो इसके साथ हम लोग वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड होगा तो इसी को मानेंगे सिंगुलर, वर्ब देंगे सिंगुलर। तीसरा रूल समझ लें, इसके तीन ही रूल हैं। जब ये आपस में डिवाइडेड होगा, कैसा होगा? डिवाइडेड, तो इसी को मानेंगे प्लूरल और इसके साथ वर्ब भी यूज करेंगे प्लूरल, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल लिखे, नोट कीजिए। एग्जाम्पल है द ज्यूरी, द ज्यूरी डॉट डॉट स्पेस छोड़िए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ठीक है। द ज्यूरी स्पेस टेकन देयर टी एच ई आई आर देयर सीट्स एस ई ए टी एस द ज्यूरी स्पेस टेकन देयर सीट्स। एक क्वेश्चन आपको इसमें बताना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक क्रिएट किया गया है इस ब्लैंक वाले स्पेस में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल का। हम ऑप्शन भी देते हैं आपको। ऑप्शन लिखिए हैज हैव, इन दोनों में से कौन सा? देखिए ज्यूरी टेकन देयर सीट्स, क्लू भी दिया हुआ है, यानी कि सीट पे बैठने के मुद्दे पे जो ग्रुप ऑफ जजेस थे, ज्यूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, तो जो जजेस थे वो अलग अलग चेयर पे बैठेंगे, ठीक है। यानी बैठने के मुद्दे पे ये आपस में क्या हो गए? डिवाइडेड हो गए, इसलिए इन्हीं को मानेंगे हम लोग प्लूरल, वर्ब देंगे प्लूरल। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? बिल्कुल सही आंसर, आंसर होगा हैव। क्लियर है? अगला अगला लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्यूरी स्पेस, यहाँ भी फिलर है तो ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे आप। द ज्यूरी स्पेस यूनाइटेड ओवर इट, ठीक है। इस सेंटेंस में बताइए हैज या हैव। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी बच्चों का, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर होगा हैज, क्योंकि यहाँ पे ज्यूरी यूनाइटेड है, सेंटेंस में लिखा हुआ भी दिख रहा है आपको, ठीक है। आपके क्वेश्चन में लिखा गया है यूनाइटेड, तो इसका क्लू आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक कंक्लूड करते हैं। इसके आगे के सेशन को हम लोग आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।